जहां चंदौली पुलिस ने बीते 9 अप्रैल को हुए ग्राम प्रधान हत्याकांड का पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से आला कत्ल समेत असलाह भी बरामद किया है। आपको बता दें कि चंदौली पुलिस ने प्रधान हत्याकांड को लेकर बीते 19 अप्रैल को भी खुलासा किया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सूचना के आधार पर टीम बनाकर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। जानकारी के अनुसार बीते 9 अप्रैल को बलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महडोर गांव में देर रात कुछ बदमाशों ने ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या कर दी थी। 9 अप्रैल 2020 को ग्राम महडोरा के ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या हुई थी, जिसमें टीमें लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए। और कल 4/5/2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम महाड़ोरा के पंकज सिंह के ट्यूबवेल पर 2 अज्ञात आदमी हत्या के दिन थे और 2-3 दिन से वो रह रहे थे। इस सूचना पर पंकज सिंह को पुलिस ने उठाया और पूछताछ की कड़ाई से, तो सारी बातें निकल के आई। पंकज सिंह ने साजिश किया था, साथ में उनके अमित सिंह इसी ग्राम के रहने वाले थे और 2 लाख रुपए में शूटर तय हुए। जो शूटर सोनू सिंह और गजानंद सिंह और राहुल तिवारी, जो थाना धीना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको पंकज सिंह की सूचना पर जो है गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आया। पंकज सिंह ने अपने प्रधान से रंजीत हत्या कराई थी, क्योंकि वो पंकज सिंह को मनोज ने पिस्टल लगा दिया था कनपट्टी पर, इससे रंजिश रखते थे। सोनू सिंह की गिरफ्तारी और राहुल की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से 1 पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। हत्या में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और साजिशकर्ताओं में अमित सिंह, प्रदीप सिंह, मुश्तबा खां और पूर्व के मुलजिमान जो है गिरफ्तार हुए थे। आज सभी मुलजिमों, 6 मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।